जिलाधिकारी कार्यालय में पेट्रोल लेकर पहुंची महिला अध्यापक, आत्महत्या की दे डाली धमकी। बांदा में एक महिला अध्यापिका जिलाधिकारी कार्यालय में पेट्रोल लेकर पहुंच गई। बता दें कि महिला अध्यापक का 2 महीने से वेतन ना मिल पाने के कारण वह पेट्रोल लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंची, जहां उसने खुदकुशी करने की भी धमकी दे डाली। और साथ ही महिला अध्यापिका ने DIOS और विभाग के संबंधित बाबू पर वेतन रोकने का आरोप भी लगाया है। यह महिला अध्यापक बांदा के चहीतारा गाँव के हाई स्कूल विद्यालय में कार्यरत है। आओ ना, तो हमारे मार्च महीने का वेतन जो बनेगा तो मैंने कहा था सब खा लिया, मेरे पास पैसे नहीं है।